दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं गूगल पे से बिजली बिल पे कैसे करें, गूगल पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी अपना बिजली का बिल भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों कैसे आप गूगल पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गूगल पे से बिजली बिल पे कैसे करें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों गूगल पे से बिजली बिल पे करने के सबसे पहले आपको अपना गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। गूगल पे ऐप ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्स एंड रिचार्ज का। बिल्स एंड रिचार्ज में कई सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का, डीटीएच, केबल टीवी का, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप मुझे सभी स्टेट का बिजली बोर्ड का नाम आ जाएगा। दोस्तों आप जिस स्टेट से हैं, जिस राज्य से हैं, आपका जो भी बिजली बोर्ड का नाम है उसे यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, सर्च कर लेना है। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं लिख, जैसे यहाँ पर नॉर्थ बिहार पावर है, साउथ बिहार पावर है, यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका बिजली बोर्ड का नाम होगा उसे आपको ढूंढ लेना है। दोस्तों हमारा झारखंड का है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBBNL। दोस्तों आपको इसी तरह से ढूंढ लेना है आपका जो भी बिजली का बोर्ड का नाम होगा। दोस्तों बिजली बोर्ड का नाम आपको कहाँ पर पता चलेगा, तो जो आपका बिजली का बिल होता है उसमें लिखा होता है। हमारा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको कंज्यूमर नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, या फिर अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, या फिर CAN नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, कस्टमर आईडी डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जो भी यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। ये दोस्तों जो कंज्यूमर नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह होता है आपके बिजली का बिल में लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब डिविजन कोड भी पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सब डिविजन कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और दोस्तों यहाँ पर आपको सब डिविजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर निक नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पर जिसके नाम से बिजली का बिल है उसका नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइंडिंग डिटेल्स होगा। अब दोस्तों जिसके नाम से बिजली का बिल होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपको क्या करना है लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से गूगल पे में आपका बिजली का बिल आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जितना भी बिजली का बिल निकाला गया होगा यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हैं आपका बिजली का बिल कब निकाला गया, यहाँ पर बिल डेट शो करेगा और यहाँ पर ड्यू डेट भी शो करेगा। आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पे बिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह शो करेगा, आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ पर शो करेगा। जैसे हमारा 431 रुपए का बिजली बिल आया है, अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पिन डालेंगे, दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। जिससे यहाँ पर आप यूपीआई पिन डालकर पेमेंट करें तो आपका गूगल पे से बिजली बिल पे हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने गलत यूपीआई पिन डाल दिया, जिस वजह से हमारा बिल नहीं पेमेंट हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप गूगल पे से बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं, भर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।